हरिद्वार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अवधेश आनंद गिरी से करेंगे मुलाकात, सवर्ण जयंती वर्ष समारोह में लेंगे हिस्सा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से रिहा, क्रूज ड्रग्स केस में थे बंद, 22 दिन बाद आर्यन की हुई घर वापसी। कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, मृतकों की संख्या में भारी गिरावट। गाजियाबाद में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या, मरीजों से बेड फुल, टल गए 200 ऑपरेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आर्यन की मन्नत हुई पूरी, जी हां, बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बाद आज 28 दिन बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो चुके हैं। शाहरुख खान अपने काफिले के साथ आर्यन खान को लेने खुद आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। जेल और ऐसे में शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, आर्थर रोड जेल के अधिकारी के मुताबिक आर्यन खान अपनी रिहाई से बेहद खुश थे। उन्होंने दूसरे कैदियों से मिलकर बात की और गले भी लगाया। इससे पहले आर्यन ने अधिकारियों से रिहाई का समय पूछा था। 2 अक्टूबर के छापे के बाद से आर्यन खान को लंबा वक्त में जेल में बिताना पड़ा। ऐसे में शाहरुख के बेटे के लिए यह आसान नहीं था और आगे की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि आर्यन को सिर्फ जमानत मिली है, केस से छुटकारा नहीं मिला है। आर्यन की रिहाई के बाद भी शर्तें लागू होंगी। ऐसे में चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या शर्तें रखी गई हैं। आर्यन खान जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते, रिहाई के लिए ये तमाम शर्तें रखी गई हैं। और हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में आकर आर्यन खान को हाजिरी देनी होगी और किसी दूसरे आरोपी के संपर्क में आर्यन खान नहीं आ सकते हैं, ये शर्त भी रखी गई है। साथ ही जांच से जुड़ी बातें मीडिया या फिर सोशल मीडिया में शेयर नहीं आर्यन कर सकते हैं और आर्यन को अपना पासपोर्ट एनडीपीएस कोर्ट में भी जमा करना होगा। यानी कि ये तमाम शर्तें रखी गई हैं आर्यन के सामने। कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर आर्यन खान नहीं जा सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी शर्त का आर्यन खान ने उल्लंघन किया तो एनसीबी विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन की हकदार होगी। तो ऐसे में ये तमाम शर्तें थी जिनके बिहाफ पे आज आर्यन खान को रिहाई मिली है। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से आर्थर रोड जेल पर ये आर्यन खान जेल से निकलते हुए नजर आए। हालांकि शाहरुख खान पहले से ही वहां पर पहुंच चुके थे और अब जेल के बाहर से लेकर शाहरुख के घर के बाहर तक भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। फैंस काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि आर्यन खान 28 दिन बाद अपने घर वापस लौटे हैं, तो ऐसे में आज उनके घर के बाहर काफी भारी संख्या में फैंस का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि आर्यन खान को रिहाई मिल चुकी है और ऐसे में वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं। आर्यन खान आज करीब 28 दिन बाद अपने घर पहुंच चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि आर्यन के घर पहुंचने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी। शाहरुख खान सुबह से ही आर्थर रोड जेल के पास मौजूद थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका बेटा बाहर आए, उसको लेकर वो अपने घर वापस जाएं। और ऐसे में काफिला काफ़ी ज़्यादा था गाड़ियों का और शाहरुख जब घर पहुंचे तो वहाँ भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां वो 4 बजे शांति कुंज पहुंचेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह सवर्ण जयंती वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं अमित शाह हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेश आनंद गिरी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं अमित शाह और ऐसे में उत्तराखंड पहुंचकर चुनावी मिशन 2022 की शुरुआत करेंगे। साथ ही हरिद्वार भी वो जाएंगे और ऐसे में जीत का मंत्र वो सभी नेताओं को देंगे। सवर्ण जयंती वर्ष समारोह में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे और आपको ये भी बता दें कि वो देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंच भी चुके हैं।
तो आपको बता दें अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर हैं, आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेश आनंद गिरी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर आज अमित शाह पहुंच चुके हैं, देहरादून वो पहुंच चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, आज हरिद्वार अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है वहां पर, क्या कुछ कार्यक्रम है और कितने बजे वो पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज ही गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है, जो सर्वप्रथम वो देहरादून में रहेंगे, उसके बाद लगभग 2 बजे हरिद्वार में उनका आगमन होगा और हरिद्वार के जो आध्यात्मिक संस्था है शांतिपुंज, वहाँ जो उनका वार्षिक सम्मेलन है उस कार्यक्रम में भाग लेंगे अमित शाह जी। बिल्कुल इंतजार, और उससे पहले वो देहरादून भी पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, चुनावी गतिविधियां हैं, तो जो पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता है, जो शीर्ष नेता है, उनमें चुनावी मंथन वहाँ होगा और उसी के अनुरूप जो देहरादून में आज चलिए ठीक है इंतजार रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं और देहरादून वो पहुंच चुके हैं, हरिद्वार वो शाम को 5 बजे करीब पहुंचेंगे, जहां पर वो आपको बता दें कि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यह भी आपको बता दें स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में वो सम्मिलित होंगे। साथ ही शांति कुंज शाम 4 बजे पहुंचेंगे, इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में भी हिस्सा लेंगे। वहीं अमित शाह हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेश आनंद गिरी से भी मुलाकात करेंगे। तो 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वेटिकन सिटी इस समय वो पहुंच चुके हैं, और आपको बता दें सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर हैं, आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में देहरादून वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत पुलिस मैदान गोपेश्वर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई ब्लॉकों में स्टॉल लगाए गए। विकास खंड नारायण बगड़, दशौली, कर्णप्रयाग, घाट, देवाल और जोशीमठ के स्वयं सहायता समूह की तरफ से पहाड़ी उत्पादों के विक्रय केंद्र स्टॉल लगाए गए। शुक्रवार को जिला मुख्यालय के पास मैदान में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट और जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विधायक ने कहा कि जिस तरीके से समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रही हैं वो सराहनीय है, इससे दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। ग्राम विकास द्वारा एक पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का अभियान चला है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में खास तौर पर आजीविका के क्षेत्र में जितना बड़ा योगदान महिलाओं का है उसको प्रोत्साहित करने का अवसर लगी है। माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 माह के लिए प्रत्येक महिला समूह के लिए 2,000 रुपये के हिसाब से उसकी मंजूरी दी है, और जो हमारे समूह स्वयं सहायता समूह के जो 12 क्लस्टर चमोली जिले के अंदर हैं प्रत्येक क्लस्टर के लिए 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया इस जिले को प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम तो हमारा लगभग 2014-15 से चल रहा है, एक मूवमेंट की तरह चल रहा है। तो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं हैं जो उनके सजेशंस हैं उनको आर्थिक पैकेज देने के उद्देश्य से और उनका सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक पैकेज की जो है घोषणा की। तो इस जनपद में लगभग हमारे 3,000 के करीब जो है स्वयं सहायता समूह हैं, उनके तमाम जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको एक आर्थिक पैकेज प्रतिमाह लगभग 6 माह फरवरी तक जो है सितंबर से फरवरी माह तक 2,000 रुपया प्रतिमाह की दर से हम उनको दे रहे हैं।
देहरादून में तैनात सिपाही ने क्रिकेट फैंटेसी ऐप में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। आपको बता दें, सिपाही दिनेश चौधरी देहरादून के एसपी सिटी ऑफिस में तैनात हैं और एप्लीकेशन के जरिए सटीक टीम बनाकर उन्होंने पहली रैंक हासिल की। वहीं जीतने के बाद सिपाही और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, दिनेश चौधरी ने बताया कि वो पहले भी एप्लीकेशन में पैसे जीत चुके हैं और इतनी बड़ी जीत से बेहद वो खुश हैं। देखिए जी, ये खुशी तो है क्योंकि भाई एक कर्मचारी के लिए तो बहुत बड़ी वो है, और टीम का तो ऐसा है जी, अब टीम बना के छोड़ दी, ठीक, और पता भी बाद में कहीं और से लगा फ़ोन के माध्यम से कि भाई साहब आपकी टीम जो है टॉप में चल रही, ठीक, फिर देखा तो ठीक है, जो भी है बहुत खुशी है इस बात। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां सरैया थाना क्षेत्र में रुपौली पंचायत में जहरीली शराब से 4 लोगों की जान चली गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति का दूसरी जगह शव पाया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पुष्टि SSP जयंतकांत ने की है। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जाँच में किसी आपत्तिजनक सामान के सेवन करने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है और जिला प्रशासन की पूरी टीम इलाके में कैंप कर रही है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी तक के इस मामले में जो भी पुलिस को सूचना मिली है, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें 3 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। 3 लोगों के हॉस्पिटल में मृत्यु की बात आ रही है, जो कि जिस जगह पे वो लोग शराब पी रहे थे या फिर जो भी चीज़ें पी रहे थे, जो बात आ रही है लोगों के पास में, वो हम लोगों ने जगह भी क्लियर कर ली है और उसको भी सील कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें एक व्यक्ति को जो कि पंचायत समिति के सदस्य बताए जाते हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनसे आगे की पूछताछ हो रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और किसी दिन मामले बढ़ जाते हैं तो किसी दिन केस कम होने लगते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 14,313 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौतों की संख्या में करीब 300 तक की कमी आई है। इस दौरान 549 लोगों की जान चली गई। उसके अलावा 13,543 मरीजों को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में देश में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1,61,655 तक रह गई है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,42,46,157 हो चुकी है। इसके अलावा ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,36,41,175 पर पहुंच चुका है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या 4,57,740 हो गई है। ऐसे में कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, मिजोरम, असम समेत कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मिजोरम में एक दिन में 692 नए केस आए, जबकि 427 लोगों की जान गई। ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भारत आने और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले नागरिक विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी थी। वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा 105 करोड़ के पार पहुँच चुका है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को इन सभी चीज़ों की जानकारी दी है। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में एक दिन में 200 से ज्यादा ऑपरेशंस को टाला गया है। जी हां, निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भीड़ के चलते और बेड फुल होने की वजह से डॉक्टर गैर जरूरी ऑपरेशंस के लिए 15 दिन बाद का समय दे रहे हैं। CMO ने भी अपील की थी कि जो ऑपरेशन टाले जा सकते हैं उनमें कुछ दिन बाद का समय दिया जाए। ऐसे में IMA पदाधिकारियों का कहना है कि इमरजेंसी को छोड़कर बाकी ऑपरेशन बाद में किए जाएंगे। गाजियाबाद में अब तक डेंगू के 925 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और हर दिन 30 से 35 लोगों में डेंगू की पुष्टि की जा रही है। डेंगू के मरीज ज़्यादा आने से अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। ऐसे में CMO डॉक्टर भवतोष शंकरधन ने निजी चिकित्सकों को इलेक्टिव ऑपरेशन टालने की सलाह दी है, जिसमें MMG अस्पताल में हर दिन 500 से ज़्यादा मरीज बुखार के पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेशन टालने की नौबत नहीं आई है। जिले में एक महीने में करीब 7 से 8 हज़ार ऑपरेशन अस्पतालों में किए जाते हैं।
तो गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं, इसीलिए 200 ऑपरेशंस को कल टाला गया है। लगातार आपको बता दें गाजियाबाद में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे में 925 सभी डेंगू के सक्रिय मामले गाजियाबाद में हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में जिस तरह से डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी हालात कैसे हैं और किन किन अस्पतालों में ऑपरेशन टालने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो रोजाना 30 से 35 मरीज जो है अस्पताल आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए गाजियाबाद के MMG अस्पताल की, जहाँ पर सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद है, वहाँ पर 200 ऑपरेशन जो गैर मतलब जो इमरजेंसी में नहीं है उनको फिलहाल टाल दिया गया है। उनको कहा गया है कि आने वाले 15 से 20 दिन बाद किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बेडों की तो बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। और इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात की जाए, निजी संस्थानों की बात की जाए, तो वहां पर भी मरीज लगातार भर्ती हो रहे हैं। अगर दिन की बात की जाए तो एक दिन में 400 से 500 लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं कि उनको कहीं डेंगू तो नहीं है लक्षण होने पर। जी बिल्कुल जितेंद्र, और अभी कितने गाजियाबाद में मामले हैं और देखिए जिस तरह से अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए प्रशासन अपनी तरफ से अपने अलग इंतजाम कर रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी ना हो उसको लेकर जो दूसरे मरीज हैं जिनका इलाज बाद में किया जा सकता है उनको फिलहाल 15 से 20 दिन का टाइम दे रहे हैं। और जो डेंगू के मरीज है जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि इस दिनों एक सबसे बड़ी चीज ये निकलकर सामने आई है जो बच्चे हैं उनको 15 से 20 दिन तक भी डेंगू का जो असर है वो बाद में भी इफेक्ट कर रहा है, जिसके चलते उनको परेशानी हो रही है और ऑपरेशन को इसी वजह से टाला जा रहा है। गाजियाबाद में अब तक 925 केसेस आ चुके हैं डेंगू के, जो जिनमें से डेली जो केसेस आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लगातार जिस तरह से मामले हर रोजाना गाजियाबाद में डेंगू के सामने आ रहे हैं, फिर भी जो है स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही वाला रवैया सामने आ रहा है, क्योंकि अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से लापरवाही बढ़ती गई तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से हालात खराब हो सकते हैं। अब ऐसे में एक डिपेंड ये करता है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव होगा और जो सर्दियां आएंगी तो वहां से जो है मौसम के हिसाब से ही बदलाव हो पाएगा, क्योंकि अगर सरकारी व्यवस्था की बात की जाए तो वो पूरी तरह से लचर सामने साबित हुई है, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, जबकि पूरी तरह से मौसम विभाग ने भी बताया था कि बारिश किस तरह से होनी है, लोगों को किस तरह से उनको अवेयरनेस करना है, इन तमाम चीजों में जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से फेल नजर आया, जिसके चलते लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को अगर डेंगू से निजात चाहिए तो आने वाली दिवाली पर जब पॉल्यूशन बिगड़ेगा तो वहां पर जाके भी कुछ डेंगू से राहत मिलेगी। इसके अलावा जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी तो डेंगू से राहत मिलनी शुरू होगी। फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि ये सारी जो राहत है भगवान भरोसे है। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, डेंगू के मरीजों से बेड फुल हो चुके हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो प्राइवेट अस्पताल हो, इसीलिए कुछ अस्पतालों में अभी जो जरूरी ऑपरेशंस नहीं हैं उन्हें 15 दिन के लिए टालने के लिए आदेश दिए गए हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 11 मई को बादल फटने से देवप्रयाग में हुई व्यापक तबाही से प्रभावित लोगों में मुआवजा पाने से वंचित 24 लोगों को आखिरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से सेवा 14 लाख रुपए की धनराशि मिल चुकी है। वेरिफिकेशन सहित आवश्यक कार्रवाई के बाद इसे घटना के प्रभावितों में बांटा जाएगा। हालांकि शांता नदी के प्रवाह में नुकसान झेलने वाले प्रभावित में से 9 प्रभावितों को देवीय आपदा से जबकि 53 लोगों को भूमि और फसल क्षति का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था। रुड़की क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के कहर से जहां लोग परेशान हैं, वहीं अब रुड़की के कर्नल हॉस्पिटल में संचालक डॉक्टर अदनान मसूद ने दवाइयों को छोड़कर सभी फीसें आधी कर दी हैं। डॉक्टर अदनान मसूद का कहना है कि एक तो पहले से ही लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहीं अब डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी ने लोगों को त्रस्त कर डाला, जिसको लेकर लोगों में रुपयों की भी भारी दिक्कत सामने आ रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब डेंगू के मरीजों से दवाई के खर्च को छोड़कर सभी इलाज के खर्च को आधा कर दिया गया है।
के लिए सबसे बड़ी सुविधा तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि प्रकोप होने की वजह से मैंने आज से अपने अस्पताल में डेंगू के भर्ती मरीजों के लिए 50% की छूट कर दी है। ये छूट सर फीस में है किस किस चीज़ में? नहीं, एडमिशन के खर्चे में, जितना भी एडमिशन का उनका जैसे वार्ड का चार्ज, जनरल वार्ड का चार्ज जो होता है, उस चार्ज का 50% ऑफ कर दिया। ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लोग ऑलरेडी कोरोना की मार से बहुत परेशान हैं, माली हालात अच्छे नहीं हैं और डेंगू इतनी ज़्यादा फैला हुआ है कि इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और अच्छा इलाज इनको नहीं मिल पा रहा है और ये अपनी सेहत को खिलवाड़ करते रहते हैं मोहल्ले में दवाई लेके, और जब वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तब वो अस्पताल पहुँचते हैं। मिर्जापुर के एक स्कूल की इमारत से बच्चे को उल्टा लटकाने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बच्चे को उल्टा लटकाने वाली तस्वीर वायरल होने के बाद आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि रात में ही आरोपी को जेल भेज दिया गया था। तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आरोपी शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और बच्चे को उल्टा लटकाने का मामला अहरोरा के सद्भावना शिक्षक संस्थान जूनियर हाई स्कूल का है। दरअसल दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला सोनू यादव अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने चला गया था और प्रिंसिपल मनोज विश्वकर्मा को ये बात नागवार गुजरी, जिससे गुस्से में आकर उसने बच्चे को एक पैर से पकड़कर स्कूल की इमारत की पहली मंजिल की बालकनी से लटका दिया ताकि उसे अन्य छात्रों के सामने सबक सिखाया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली की हवा ठंड के दस्तक के साथ जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा का प्रदूषण स्तर मानकों से 6 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतनी तेजी से बढ़ने की वजह से पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में पराली जलना बताया जा रहा है। इस वजह से दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली की हवा और भी ज़्यादा खराब होगी और यहां के कुछ इलाकों में प्रदूषण स्तर और बढ़ेगा। ऐसे में दिल्ली में दिवाली तक प्रदूषण स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। इस दौरान दिल्ली के लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ होगी। दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण के स्तर पर अपनी नज़र बनाकर रखने वाली संस्था सफर के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के मथुरा रोड इलाके में PM2.5 का स्तर 316 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है। वहीं इस इलाके में PM10 से 295 रहा। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहां PM2.5 का स्तर 306 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए हवा मानकों के अनुसार PM2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और PM10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।